इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमास चीफ याहया सिनवार को इसराइल की सेना ने मार गिराया। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और वहां की सेना ने हमास चीफ याहया सिनवार की मौत की पुष्टि की है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में जिन तीन आतंकवादियों को उसने मार गिराया है उनमें याहया सिनवार भी शामिल था। मलबे में शव मिला है और सिनवार का डीएनए मैच हो चुका है। बताया गया कि इसराइल के पास सिनवार का डीएनए सैंपल पहले से ही था। इजरायली फोर्स ने शवों के दांतों के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शव सिनवार का ही है या किसी और का। जांच के बाद हमास चीफ सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी गई है। सोचिए एक के बाद एक कैसे जो है इसराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है और ये हमास चीफ था याहया सिनवार जो कि मार गिराया गया इस प्रहार में। हालांकि इसराइल की तरफ से पहले ही कहा जा रहा था बस हाँ का इंतजार है, नेतन्याहू हाँ कहेंगे और फिर चंद मिनटों में सब कुछ तबाह, जिसके बाद देखा जा सकता है कि जो ये प्रहार है जबरदस्त प्रहार ये भारी पड़ा है हमास चीफ को।